मूवी शुरू होती है एक बिजनेस ब्रेकफास्ट से, जहां एक कंपनी अपने एम्प्लॉइज को एक ट्रिप पर ले जा रही है। वही दो दोस्त सैम पीटर आपस में बहस कर रहे होते हैं। वहां सैम की गर्लफ्रेंड मोली भी आ जाती है, वो उससे ब्रेकअप करना चाहती है। अगले सीन में वहां दूसरे लोग भी आ जाते हैं, जिनमें पीटर की गर्लफ्रेंड कैंडिस, ओलिविया, इसैक और नेथन के अलावा उनके बॉस डेनिस भी होता है। यहाँ पता चलता है कि कंपनी में नेथन की एक और आदमी रॉय से कभी नहीं बनती। वो लोग बस में चढ़ते हैं, जहाँ सैम को एक साइन दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है वॉच योर स्टेप। वो लोग आगे बढ़ते हैं। एक ब्रिज पर पहुँचने पर पता चलता है कि वहाँ कुछ मरम्मत चल रही है और उनकी बस को रोक दिया जाता है। यहाँ सैम को कुछ अनहोनी होने का आभास होता है। तभी अचानक ब्रिज पर एक दरार आ जाती है और वहाँ भगदड़ मच जाती है। बस में बैठे सभी लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान ब्रिज का एक हिस्सा टूट जाता है। कैंडिस डिवाइडर क्रॉस करती है, लेकिन उसकी साइड का ब्रिज टूट जाता है और वो नीचे जा रही शिप पे गिरकर मर जाती है। वहीं बस नीचे गिर जाती है और आइसैक, जो कि वॉशरूम में था, वो भी मारा जाता है। सब भाग रहे होते हैं, तभी ओलिविया का चश्मा टूट जाता है और उसे सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है। सैम मोली को एक सेफ जगह खड़ा कर देता है और फिर ओलिविया की मदद करने जाता है, लेकिन ओलिविया नीचे पानी में गिर जाती है और उसके ऊपर एक गाड़ी गिर जाती है। वहाँ नेथन पुल की तारों से और डेनिस तारकोल से मारे जाते हैं। आगे दिखता है कि सैम और पीटर मोली के पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी पूरा ब्रिज ढह जाता है। सैम और पीटर एक रेलिंग से लटक जाते हैं, लेकिन ऊपर खड़े एक ट्रक से गिरते सरिये और लोहे की शीट से दोनों मारे जाते हैं। तभी सैम की आँख खुलती है और पता लगता है कि यह सब उसका एक विजन था। वो सभी को बस से उतरने के लिए बोलता है, लेकिन पहले कोई उसकी बात नहीं मानता, लेकिन आखिर वो सब बस से नीचे उतर जाते हैं। थोड़ी देर में उसका विजन सच हो जाता है, लेकिन बस में बैठे सभी की जान बच जाती है। पुलिस सैम से पूछताछ करती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने पर उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता और सैम को छोड़ दिया जाता है। वो लोग ब्रिज में मरे लोगों को श्रद्धांजलि देने जाते हैं, जहां उन्हें एक आदमी मिलता है जो कहता है कि मौत को धोखा खाना पसंद नहीं है और उन्हें सावधान रहने को कहता है। हमें पता चलता है कि सैम पार्ट टाइम में शेफ की जॉब करता है और उसका सपना है पेरिस में खुद का रेस्टोरेंट खोलने का। पीटर कैंडिस से मिलने जाता है, जो जिम्नास्टिक में कंपटीशन के लिए तैयारी कर रही होती है। प्रैक्टिस में कैंडिस का लकी ब्रेसलेट टूट जाता है। वहीं प्रैक्टिस के दौरान हुए एक हादसे में उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। सैम और पीटर मिलते हैं और उन्हें वहां वही आदमी मिलता है जिसने उन्हें सावधान रहने को कहा था। पुलिस ऑफिसर उनके बॉस डेनिस को उन पर नजर रखने को बोलता है। ऑफिस में इसैक चोरी करता है और उसे वहाँ स्पा कूपन मिलते हैं। वो स्पा के लिए जाता है, जहां उसे एक्यूपंचर की सुइयां लगा दी जाती हैं। अचानक वहां आग लग जाती है, लेकिन इसैक बच जाता है। तभी शेल्फ पर रखा एक स्टैचू उस पर गिर जाता है और वो मर जाता है। सैम और उसका दोस्त स्पा में जाते हैं, जहां एक बार फिर वही आदमी उन्हें दिखाई देता है और वो उन्हें बताता है कि वो ये सब पहले देख चुका है, कि कैसे मौत से बचे हुए इंसान एक एक करके मारे जाते हैं। वो कहता है कि उन्हें अपनी जगह किसी और को देनी होगी, तभी वो बच सकते हैं। वहाँ उनकी आपस में बहस होती है और नेथन ये सब मानने से इनकार कर देता है। मोली ओलिविया को यह सब बताने जाती है, जहाँ पता चलता है कि उसकी आंखों का ऑपरेशन है। वहीं लेजर मशीन में आई गड़बड़ी से उसकी आंख जल जाती है और इससे पहले कि सैम और मोली उसे बचा पाए, वो फिसलकर विंडो से नीचे गिर जाती है और मारी जाती है। पुलिस इंस्पेक्टर आकर सैम और मोली से पूछताछ करता है, जहां सैम उन्हें सारा किस्सा बताता है कि उन्हें ब्रिज पर जिंदा नहीं बचना चाहिए था और मौत उनसे बदला ले रही है। सैम मोली को बताता है कि सब लोग उसी ऑर्डर में मर रहे हैं जिस ऑर्डर में उन्हें मैंने विजन में मरते हुए देखा था। मोली सैम से पूछती है कि ओलिविया के बाद कौन मरा था। अगले सीन में नेथन को दिखाया जाता है, जिसका रॉय से झगड़ा हो रहा होता है। तभी वहाँ एक हैवी क्रेन में फॉल्ट आ जाता है और उसके हुक में अटक के रॉय मारा जाता है और नेथन बच जाता है। सब नेथन के पास जाते हैं, जहाँ पीटर नेथन पर इल्जाम लगाता है कि उसने जानबूझकर रॉय को मारा है ताकि वो खुद बच सके। तभी उनका बॉस डेनिस वहाँ आता है और एक मशीन से निकले औजार से मारा जाता है। मोली सैम से मिलने उसके रेस्टोरेंट जाती है, जहाँ पीटर भी आ जाता है
वो बताता है कि कैसे वो अपनी जगह किसी और को मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कर नहीं पाया। वो मोली को मारने की कोशिश करता है और सैम और उसकी लड़ाई में सैम बेहोश हो जाता है। तभी वो इंस्पेक्टर वहाँ आ जाता है जो उनका पीछा कर रहा है। पीटर इंस्पेक्टर को मार डालता है। फिर वो दोबारा मोली को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सैम आकर पीटर को मार डालता है। मोली सैम को कहती है कि अब तुम बच गए हो। 2 हफ्ते बाद दिखाते हैं कि मोली और सैम प्लेन से पेरिस जा रहे होते हैं। यहाँ उन्हें 2 लड़के आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। उन लड़कों को प्लेन से उतार दिया जाता है। प्लेन टेक ऑफ करता है और सैम को अजीब से ख्याल आते हैं। एक लेडी के पूछने पर एयर होस्टेस बताती है कि एलेक्स नाम के लड़के ने अपने विजन में इस प्लेन को क्रैश होते देखा था। तभी वो विजन सच हो जाता है और प्लेन क्रैश हो जाता है। मोली और सैम मारे जाते हैं। आखिरी सीन में नेथन रॉय की मेमोरियल सर्विस पे आता है, जहां उसे पता चलता है कि रॉय को ब्रेन ट्यूमर था, वैसे भी जल्दी ही मरने वाला था। नेथन खुश होता है, लेकिन तभी प्लेन से टूटा लैंडिंग गियर उस पर आकर गिर जाता है और वो मारा जाता है। यही हमारी मूवी खत्म हो जाती है।